वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त संदीप शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपको पियानो के बारे में मतलब इसके बारे में बताया था, माइक को किस तरह से कनेक्ट करना है इत्यादि। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, लेकिन उससे पहले आज एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लोगों के लिए कि जैसे अभी आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं इसी के माइक के थ्रू सुन रहे हैं, मतलब इसी का माइक इनपुट है ये, और हम शोर का माइक यानी कि शोर का माइक यूज़ कर रहे हैं, तो इसी के माइक से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अब बात करते हैं कि अब ये माइक सिंपल आवाज़ आ रही है आपको, ये पियानो की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेते हैं इसका। तो अब हम इसमें बात करेंगे रिवर्ब और डिले की। मतलब माइक सिंपल अगर अपन कोई गाने के साथ या किसी बीट के साथ गाएं तो वो अच्छा नहीं लगता, उसमें भी डिले भी चाहिए और रिवर्ब भी चाहिए। तो अगर आपके पास कराओके तो इस फ़ोन में जैसे मैंने आपको इस KC-ACTX में इनपुट जैक के ज़रिए ऑडियो इनपुट मतलब कि मोबाइल या किसी से भी ऑडियो इक्विपमेंट से जोड़ कर हम अपना कराओके प्ले कर सकते हैं। और इसी के माइक से कोई भी एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर ही सिस्टम है कि आप इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर से ही इफेक्ट लगा सकते हैं, माइक में डिले को इत्यादि लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले माइक की पिन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट है अभी यहाँ पर देखिए, नंबर पैड जो कीज़ है हमारी, मतलब जैसे मैंने बताया था कि इसमें कंप्यूटर की तरह काम करता है, कंप्यूटर नंबर पैड जो की होती है उसी तरह काम करता है। तो नीचे 1 2 3 4, सबसे पहले नीचे 1 2 3, उससे देखिए मैं आपको नीचे से बता देता हूँ, चलिए इसको वापस से पिछली बार बताया था फिर बता देता हूँ इस बार। तो सबसे पहले हम नीचे से अगर ये पैड की तरफ से चलते हैं तो हमारे स्क्रीन के जस्ट राइट साइड में पैड कीज है। तो यहाँ पर नीचे पहले फंक्शन की, नंबर की, नो यस की, उसके बाद पहले 1 2 3, फिर ऊपर चलेंगे 4 5 6, फिर ऊपर चलेंगे 7 8 9। तो 7 8 9 जो की है, तो जहाँ पर 7 है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ पार्ट का बटन है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक लाइट यहाँ पर जलने लगती है पार्ट बटन में। तो उसके बाद अब हमें क्या है, इसके अंदर रिवर्ब लगाना है। तो मैंने पार्ट का बटन दबाया माइक की, माइक कनेक्ट करने के बाद मैंने मिक्सर का बटन दबाया। अब यहाँ पर हमें दृष्टिहीन भाइयों के लिए बता देता हूँ, जो साइटेड या पार्शली उनके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर कीबोर्ड लिखा आ रहा है। तो अब हमें इसे, अब दृष्टिहीन लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमें क्या पता कीबोर्ड आ रहा है, तो आपको कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नो यस प्लस माइनस का जो बटन है, जो यहाँ पर नंबर की और नो और फिर नहीं, सबसे पहले फंक्शन नंबर की और फिर नीचे उसके राइट में नो यस की है, तो यस की को आपको दबाना है 8 टाइम। कितने टाइम दबाना है हमें, 7 टाइम दबाना है, सॉरी। तो 7 टाइम दबाना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। मैंने 7 टाइम इसको दबाया। अब वापस से जो 7 नंबर की है, 7 8 9, 7 नंबर की के बाद जो पार्ट का बटन मिक्सर का बटन, उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे हम। लॉन्ग प्रेस किया मैंने, अब यहाँ पर हमें एक करना है, मतलब जो 2 नंबर की है हमारे 1 2 3, 2 नंबर की है जो जिसको डाउन एरो बोलते हैं, उसको एक बार नीचे की तरफ प्रेस करना है। अब यहाँ पर आता है इसका वॉल्यूम माइक का, तो वॉल्यूम आप यहाँ से ये जॉब व्हील से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मेरा वॉल्यूम कम हो गया इसका, अब मैं इसको जॉब व्हील से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब हम वापस एक बार 2 नंबर बटन दबाएंगे, इसके अंदर डाउन एरो की के लिए मैंने कल बताया था आपको, जैसे 1 जो है इसका राइट एरो की, लेफ्ट एरो की है, 2 इसका डाउन एरो की है, 3 इसका जो है राइट एरो की है, और 5 जो है इसका वो है क्या बोलते हैं उसको, अप एरो की। समझ गए होंगे आप इस बात को, तो अब आगे चलते हैं, एक बार फिर डाउन एरो की दबाते हैं। यहाँ पर इसमें क्या फंक्शन है देखिए, अब आपको अलग अलग स्पीकर्स में आवाज़ सुनाई देगी, हेलो 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 हेलो,
हेलो हेलो, ये लेफ्ट स्पीकर में आवाज़ चली गई, अब राइट पर लाते हैं। हेलो हेलो, मैं सिर्फ जॉब व्हील को घुमा रहा हूँ, या आप नो एस बटन को भी दबा कर ये काम कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको यहाँ पर, ये देखिए मैंने कर लिया इसको सेट। आपको जॉग व्हील जो बीच में दिया गया स्क्रीन के जस्ट नीचे गोल बटन, इसको घुमाते रहना तो वो चेंज हो जाए। अब फिर दो बटन को हम दबाते हैं नीचे, यानी कि एरो की डाउन एरो को फिर से नीचे दबाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है रिवर्व, रिवर्व लगाते हैं इसको एक बार, आगे खिसकाते हैं जॉग व्हील को। हेलो, ये देखिए रिवर्व आ रहा है इसमें। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर चोट खाए हुए हैं। तो ये इसमें रिवर्व है, इस रिवर्व को बंद कर देते हैं एक बार। हेलो हेलो, अभी रिवर्व आ गया है इसके अंदर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें देखिए ये रिवर्व आ गया इसके अंदर, हम इसके अंदर इसको नीचे लेते हैं एक बार, डाउन टू की को। अब देखिए इको भी इसमें लगता है, इको इसमें कुछ खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी हेलो हेलो हेलो, ये देखिए आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन आया होगा इसमें, देख सुन रहे हैं आप। हेलो 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 हेलो, एकदम गायब हो गया, थोड़ा बढ़ाते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये कोरस है, ये कोरस लग गया है इसमें, एक बार और नीचे लेते हैं। ओके हेलो 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 हेलो, तो देखिए इको और रिवर्व दोनों आ गए इसमें। अभी हम इसमें कोरस हटा लेते हैं एक बार फाइव की को दबाएंगे ऊपर, अब एरो की। अब यहाँ से हम इसको कोरस को एकदम बंद कर देते हैं, कोरस मैंने बंद कर दिया। अब थोड़ा रिवर्व बढ़ाते हैं एक बार, फाइव की को फिर ऊपर लेंगे, अप एरो। हेलो, ये देखिए हमारा जो है ये रिवर्व भी बढ़ चुका है। तो इस तरह से हम माइक के अंदर रिवर्व लगा सकते हैं। अब आपको एक चीज, इसके साथ कोई गाना गा सकते हैं अपन, जैसे कोई भी गाना चाहो आप। चलिए देखते हैं, क्योंकि हाथ में माइक है इसलिए कोई भी रिदम लगा लेते हैं। शुरू करते हैं, कंप्लीमेंट लगाते हैं। हेलो हेलो, क्योंकि रिदम की आवाज तेज है, हम आपको रिदम की आवाज भी कम करके दिखाएंगे एक दिन। तो कोई भी ट्रैक के साथ आप गाना गा सकते हैं। एक बार इसको ऐसे ही अपन सीधा ही गाने की कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है। एक मिनट कंप्लीमेंट लगाते हैं। तू ही मेरा सारा जहां है, तू ही मेरे रब की तरह है, कहीं दूर मिल की पनाहों में मैंने पाया तुझे अपनी चाहों में। तो इस तरह से आप गा सकते हैं। आप कराओके के साथ गाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो कराओके के साथ इसमें आप जैसे अपने मोबाइल को कनेक्ट किया और कोई भी कराओके को लगाया और उसके साथ अच्छा सा गाना गा सकते हैं आप, बहुत अच्छी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अभी मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हमने कीबोर्ड के फंक्शन से आराम से इसको इको और रिवर्व में लगा लिया है। वापस बता देता हूँ, हमें सबसे पहले पार्ट के बटन को दबाना है माइक को कनेक्ट करने के बाद, इक्विपमेंट को कनेक्ट करने के बाद। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये नो यस की है इसको दबाना है, जॉब डायल को नहीं दबाना है, नो यस की जो इधर दे रखी है दो या तीन के जस्ट नीचे बटन दे रखे हैं, तो इनको हमको सेवन टाइम प्रेस करना है। कितने टाइम प्रेस करना है, सेवन टाइम। और बाकी जो दृष्टिवान लोग हैं वो तो देख ही लेंगे, उसके अंदर लिखा है एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल ऑप्शन आपको आ जाए तो आपको क्या करना है, एक बार पार्ट की यानी कि ये मिक्सर की, ये इधर जो मिक्सर की है सेवन के जस्ट लेफ्ट में, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको जो है हमारे इसको टू नंबर बटन जो है डाउन एरो, उसको एक बार नीचे लेना है। पहले वॉल्यूम आएगा, फिर नीचे लेंगे पैन आएगा, फिर नीचे लेंगे रिवर्ब आएगा, फिर नीचे लेंगे कोरस आएगा, फिर नीचे लेंगे डिले आएगा। तो और भी इसके अंदर ऑप्शन है,
और बाकी जो इसके अंदर छह जो ऑप्शन पीछे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सॉन्ग बैंक है, रिदम है, रिदम वॉल्यूम्स है, वो सभी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर अभी तो मैंने आपको सिर्फ रिवर्ब माइक में इफेक्ट डालना बताया, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो उसके अंदर ये भी बात करेंगे कि हम अगर अभी जैसे रिदम की आवाज़ तेज आ रही थी, हमारी आवाज़ कम आ रही थी, तो रिदम की आवाज़ को कम कैसे किया जाए और हमारी आवाज़ को तेज कैसे किया जाए। तो तेज तो इतना ही होगा, ये माइक इसकी वॉल्यूम जो है, माइक की वॉल्यूम कुछ खास, हेलो, तो ये थोड़ा सा तेज और हो चुका है हमारा। अभी देखते हैं अकंपनीमेंट लगा के कुछ होता है क्या, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम कर रखा था वॉल्यूम। एक बार फिर ट्राई कर लें। हेलो, यस, हेलो, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो बताइएगा हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, संदीप शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स के साथ। आप इसके अंदर मैंने बता दिया कैसे रिवर्ब और इको लगा सकते हैं, इसको बंद भी किया जा सकता है, वो भी आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपने किया। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा मेरा। अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या कुछ कमी रह गई है। अब देखिए मैंने बंद कर दिया हमारा रिवर्ब, एकदम बंद कर दिया। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा नीचे लेते हैं, डाउन एरो करते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये कोर्स बढ़ा दिया हमने इसमें, और क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। फिर डाउन एरो किया, अब ये हमारा इको जो है एकदम बंद हो गया। अब सिंपल आवाज़ आ रही होगी आपको मेरी, इसे बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ता है देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप जो डायल को घुमाते रहिए बढ़ता रहेगा। इसके बाद नीचे और क्या है, ये देखिए एकदम हमारी, और ये बस इसकी फाइनल हेलो हेलो हेलो, बस यही है। इसके बाद और क्या देखते हैं। हेलो 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 हेलो, वॉल्यूम तेज करते हैं। हेलो 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 हेलो, बस फाइनल वॉल्यूम इसका। उसके बाद फिर डाउन एरो करते हैं, क्या आता है। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए अब हम मेरी आवाज जो है आपको एक स्पीकर मारी लेफ्ट स्पीकर में, लेकिन इको आपको दोनों स्पीकर्स में सेंटर में सुनाई दे रहा है। अब हम इसको बढ़ा देते हैं। हेलो 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 हेलो, ठीक है। उसी तरह आप रिवर्ब में भी ऐसा ही कर सकते हैं, देखिए ट्राई करके देखते हैं। ये मैंने बिल्कुल इसको गायब कर दिया है। अब मैं नीचे लेता हूँ एक बार, डाउन एरो किया दो नंबर, अब देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए रिवर्ब दोनों स्पीकर्स में आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ एक ही स्पीकर में आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, जितना आप करना चाहें, जैसा करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है देखते हैं एक बार, रुकिए इसको सही कर लेते हैं पहले। हेलो 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 हेलो, ये कोर्स लग गया, थोड़ा अपन कर देते हैं सबको। ओके देन वी ओके, इसको सही करते हैं। हेलो 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 हेलो, ये बिल्कुल आवाज़ सेंटर में आ गई हमारी, थोड़ा और कर लेते हैं। हेलो हेलो, अपने अंदाजे से भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं किसी को। टू टू, इसको नीचे लिया एक बार, और इको बंद करते हैं इसका। हेलो 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 हेलो, हाँ इको बंद हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आशा आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो बताने में तो मुझे फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये फंक्शन था आज का। अब हम बात करेंगे, जब भी अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा कल या परसों, जब भी टाइम मिलेगा मुझे, तो उसमें हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको एक बार हम एग्जिट कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, कीबोर्ड को यहाँ से बंद कर दो अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती। देखो मैं दिखा देता हूँ, इसको बंद, तो ये कीबोर्ड वापस चालू कर दिया। अब फंक्शन बता देता हूँ आपको। तो जहाँ पर फंक्शन है नो नंबर, ये जो इधर बटन है नंबर हमारे एक दो तीन, एक के नीचे जस्ट नंबर का बटन है, और एक से जस्ट थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड की तरफ, नीचे लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा फंक्शन बटन है। इसको हमने प्रेस किया, अब सबसे पहले आया थ्री टच। थ्री टच का तात्पर्य आप टच लो हैवी, या आप इसको बढ़ा सकते हैं टच को अपने हिसाब से। टच का इसके अंदर सोफेस्टिकेटेड एक बटन भी दिया गया है, जैसे इसको एक बार फंक्शन की को हम एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पर बटन है इसका, ये देखिए लास्ट ऊपर, जहाँ मैं आपको कैसे बताऊँ, चलिए ठीक है, ये नंबर्स की है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद जस्ट अपन नीचे चलते हैं नंबर्स की के, राइट हैंड की तरफ नीचे चलते हैं नंबर की के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव
फाइव सिक्स सिक्स बटन है, सिक्स बटन में राइट बटन, राइट बटन हमारा टच का है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैं धीरे प्रेस कर रहा हूँ, आवाज़ धीरे आ रही है, मैं जैसे तेज़ प्रेस करूँगा तेज़ आवाज़ आएगी, धीरे प्रेस करूँगा किसी भी की वो धीरे आवाज़ आएगी। अब टच को हटाना हमें, तो इसको दबा दिया, अब देख मैं धीरे प्रेस कर रहा हूँ तो भी सेम आवाज़ आ रही है, और तेज प्रेस कर रहा हूँ तो भी सेम आवाज़ आ रही है। अब वापस इसको टच को ऑन किया, ये देखिए किसी गाने में धीरे धीरे इफेक्ट देते ना, ये धीरे इफेक्ट है, तेज ये तेज इफेक्ट है, ठीक है। अब इस टच को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे या फिर फंक्शन बटन को दबाएंगे पहली बार फर्स्ट, जैसे हमने इसको बंद कर देते टच को, चलो कोई नहीं की बात है, फंक्शन की को दबाया, फंक्शन की को दबाते ही हमारा थ्री टच शुरू हो गया। इसके अंदर आप ये जो जॉब व्हील है हमारा, ये जो बटन दिया गया है, इससे हम टच को नियंत्रित कर सकते हैं, कम ज़्यादा बंद कर सकते हैं जैसे भी। इसको एक बार घुमा के देखें, घुमाया इसको, देखिए धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, थोड़ा और घुमाते हैं, ये देखिए टच, अब ये तेज टच हो गया, ये हैवी टच मतलब कि फास्ट, कोई टच का मतलब नहीं है। अब इसको वापस जॉब व्हील को घुमाता हूँ मैं, ये देखिए ये टच, एक बार और घुमाते हैं, ये देखिए ये एकदम धीरे फिर तेज दबाए तेज आवाज आएगी, तो ये टच का मतलब है, ये हो गया। इसके बाद हम फिर राइट एरो की वन और थ्री से प्रयोग करेंगे, राइट एरो थ्री करेंगे। अब यहाँ पर आता है कोड मोड, कोड मोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोड मोड आ गया सेकंड नंबर फंक्शन, तो हमें आपको फंक्शन बटन को एक बार फिर से दबाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन बटन को आप दबाइए, हालांकि आपको स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही होगी, मैं आपको एक बार बस नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर जो हमारा कंपनीमेंट है ये हमारे इसका कीबोर्ड का, ये कंपनीमेंट देखते हैं चालू है क्या, और चालू नहीं है, ठीक है चालू करते हैं कंपनीमेंट को। तो कंपनीमेंट को चालू करने के लिए रिदम के ऊपर जो बटन है हमारे वॉल्यूम के जस्ट, वॉल्यूम के जस्ट नीचे जब हम चलते हैं पावर की के पास, जो वॉल्यूम उसके जस्ट नीचे चलते हैं, तो एकदम आपको थोड़ा सा आगे राइट की तरफ हाथ करेंगे दो बटन मिलेंगे, एक सिंक्रो का बटन मिलेगा मतलब कि जो सिंक कर सकता है रिदम के साथ, और एक मिलता है अकंपनीमेंट का। तो इसको मैंने दबाया राइट हैंड की तरफ, ये कॉर्ड लग गया, तो ये टू वन फिंगर कॉर्ड, टू फिंगर कॉर्ड। उसके बाद फिर इसके अंदर एक है हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक इसके अंदर फुल रेंज कोड है, जो कि हम साग जैसे कोड लगाते हैं, जैसे हमारा मेजर कोड सागा पा होता है, तो उसी प्रकार से इसमें फुल रेंज कोड भी लग सकते हैं। और आप चाहते हैं एक उंगली से सिर्फ कोड लगाएं, तो एक उंगली से हमारा देखिए कोड लग रहा है, कोड लग रहा है, ये देखिए सा गा मैंने दबाया तो एक ही कोड आपको सुनाई दे रहा है, सा गा मा दबाता हूँ, देखिए सा गा मा, देखिए हो रहा है सा गा पा वाला, ये देखिए एक ही कोड, ये सा सा गा का एक ही कोड लगा दिया, अब पा दबाना हमें सिर्फ खाली वन दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, अभी तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं, उसके बाद हमारा आएगा कंट्रोलर, फिर आरपेजिएटर, सभी फंक्शन आएंगे, तो इसके बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे, अब सभी लोगों से एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो इजाज़त दीजिए अभी तो संदीप शर्मा को, अगली बार हम आपको फिर मिलेंगे इसके पूरे फंक्शंस के साथ, कितनी बार दबाने से क्या होगा आपको प्रयोग करके बताएंगे। आज मैंने आपको टच के बारे में बताया कि टच इसमें किस तरह से यूज़ की जाती है, टच को अगर आप फंक्शन नहीं दबाना चाहते तो आप टच बटन को होल्ड प्रेस कीजिए, ये जो इधर इसके नीचे जो नंबर की के नीचे जो बटन है अपने राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड स्पीकर की तरफ, तो इसे होल्ड करना है अपन को स्पीकर, और आपको ऐसे नहीं समझ आता तो स्पीकर के जस्ट लेफ्ट में बटन है, स्पीकर राइट स्पीकर के जस्ट लेफ्ट में बटन है, इसको आपको प्रेस करना है। एक तो नीचे बटन दिए गए बड़े बड़े जैसे रिदम में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बटन नीचे दिए गए, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले जो छोटे छोटे बटन है तो इनको आपको दबाना है, राइट बटन को इसको बटन को दबाइए, स्पीकर के जस्ट लेफ्ट वाले बटन को, राइट स्पीकर के लेफ्ट वाले बटन को दबाइए, होल्ड कीजिएगा, और फिर जॉब व्हील को आप घुमाइएगा, आपको लाइव लाइट टच चाहिए, हैवी टच चाहिए, या फिर टच ऑफ चाहिए, वो जो भी आपकी जो इससे सुविधा रहे वो उसमें कर सकते हैं। तो आशा आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर कोई कमी रह गई तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट का मैं इंतज़ार रहेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।